हाय गाइस, वेलकम टू द नील शो। ये है सेकंड पार्ट ऑफ हाई लो अम्ब्रेला का ड्रेस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू दैट वीडियो फर्स्ट। आप पहले उसमें कटिंग देख ले और यहाँ मैं आपको सिलना सिखाऊंगी। तो सीना हम यहाँ शुरू करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप पार्ट का जो फ्रंट हिस्सा है वो मैंने यहाँ लिया है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, हमने टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों को कट कर लिया था और एक के ऊपर एक रख के मैंने दोनों को पिन कर लिया है ताकि हम इस पर सिलाई कर सकें। तो इस तरह से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। याद रखे कि जो सीधा हिस्सा है वो फोल्ड होने के बाद वो ऊपर आना चाहिए, तो इट शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स यू। नीचे अब जब डालें तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो आगे का हिस्सा है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब हम पिंस हटा देंगे और ये जो गले का जो हिस्सा है इसको हम छोटे छोटे स्लिट्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो जो गले का शेप है एकदम बहुत अच्छे से नीटली बैठ जाएगा। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से ध्यान रखें कि आप स्टिच को ना कट करें, एकदम पास तक काटें लेकिन बिल्कुल स्टिच को ना काटें। तो ये हो गया कटिंग। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं कपड़े को। तो ये हो गया अपना कपड़ा सीधा। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर से एक और स्टिच देंगे ताकि ये एकदम बहुत नीट लगे। एक सिंगल स्टिच काफी होगा इसके लिए। तो ये हमने कर लिया स्टिच। तो डिटो इसी तरीके से हमने जो बैक पार्ट है उसको भी हमने स्टिच कर लिया था। तो अब हम इन दो कंधों को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद हम उस पार्ट को ओवरलॉक भी करेंगे, मतलब जो पीको बोलते हैं हम वो भी करेंगे। पीको जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के, स्पेशली जो स्लिपरी क्लॉथ्स होते हैं सिल्क वाले, तो इनमें अगर आप पीको नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो कपड़े के जो रेशे हैं वो खुल जाएंगे। कॉटन में इतना पंगा नहीं है लेकिन जो सिल्क है आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करने के बाद हमने ये चारों लेयर को एकदम अच्छे से जमा के साइड का भी जो स्टिच है वो भी हमने अच्छे से करना है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो एकदम सही से बैठे। तो इसको भी हम पिन कर लेंगे ताकि कपड़ा हिले ना अपनी जगह से। यूजुअली होता ये है कि सैटन क्लॉथ जो है दिखता तो काफ़ी सुंदर है लेकिन जब आप उसकी सिलाई कर रहे होते हैं, बाप रे, इट्स वेरी हेक्टिक, एक जगह पे रुकता नहीं है वो। बट ऑब्वियसली लुक बहुत सुंदर होती है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो चलता है। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये हमारा कंधा ज्वाइन हो गया और हमने ऊपर से भी एक स्टिच लगा ली पीको करके ताकि ये जो है खुले ना, एकदम नीट से लॉक हो जाए और ये शेप भी बहुत सुंदर सा बैठे। और जो हमने हैंड्स थे उनको भी ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे भी हमने पीको लगा ली है। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया रेडी। अब हम स्कर्ट की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने कटिंग की थी स्कर्ट की। तो ये है ब्रासो का जो कि टॉप लेयर है और इसके अंदर हम डालेंगे सैटन का क्लॉथ जो कि इसकी लाइनिंग होगी। तो ये है उसकी लाइनिंग। दोनों को जो है हमने साइड से ज्वाइन कर लेना है पहले, जो एकदम पीछे आएगा वो वाला ज्वाइन, क्योंकि पीछे बहुत लंबा है तो हमने उस हिसाब से उसको काटा है। तो ये जो साइड है, साइड को हमने ज्वाइन कर लेना है। तो ये हो गया, साइड्स हमने ज्वाइन कर ली और जो नीचे का जो कटिंग था उस पर हमने पीको लगा लिया ताकि जो क्लॉथ है वो काफ़ी वेवी लगे। आप उसको फोल्ड ना करें, पीको करें बॉटम में, तभी वो अच्छा सा वेव टाइप का लुक देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और दो बार पीको करेंगे तो बहुत अच्छा स्टिफ वाला लुक आएगा। अगर आप प्लास्टिक की वायर डाल सकते हैं तो और सुंदर लगेगा, लेकिन मैंने प्लास्टिक वायर यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से दोनों स्कर्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ये कुछ इस तरह दिखेगा। चलिए अब हम दोनों स्कर्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं।
वेस्ट के तरह। तो ये हो गया, तो ये अपना स्कर्ट हो गया रेडी। अब हम इसको साइड से एक बार फोल्ड करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली जो हाई लो वाला शेप है वो दिखे। तो ये इस तरह से आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक गलती आप देख सकते हैं कि जो बीच का स्टिच वाला है वो हिस्सा आपको दिख रहा है, मतलब जब आप खड़े होगे पहन के ड्रेस, तो वो पीछे वाली जो स्टिचिंग का जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है वो दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो हमने इसको एक्चुअली अंदर की तरफ मोड़ना था, जो गलती से मैंने बाहर की तरफ मोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक। तो ये अपने हैंड्स हैं, मतलब कि स्लीव्स, आई एम सो सॉरी मैं हर बार हैंड्स बोल देती हूँ, स्लीव्स हैं। तो ये अपना जो अपर बॉडी है उसके लिए, और उसको हम ये जो स्लीव्स हैं वो हम अटैच करेंगे। स्लीव 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 स्लीव, आई थिंक आई शुड से 10 times, हर बार मैं गलत बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा अपर बॉडी है इस पे हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। और क्योंकि ये सुंदर सा ब्रासो क्लॉथ है तो मैंने इसमें लाइनिंग नहीं डाला है, वरना ये काफ़ी हैवी लुक दे देगा। मतलब अगर आप थोड़े भी हेल्दी हो तो आप काफ़ी मोटे लगेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम का जो वो है स्लीव का जो बॉटम है उसको भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया, और यहाँ पे हमने स्लीव्स भी जोड़ ली और उसको पीको भी कर लिया ताकि ये एकदम सिक्योर रहे। तो अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जब आप लाइनिंग नहीं ले रहे हो स्लीव्स पे, तो अगर ये क्लॉथ इस तरह से दिखेगा तो काफ़ी अजीब भी लगेगा और अनफिनिश्ड लुक देगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के एक और स्टिच डालेंगे ऊपर, ताकि ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है, जो अनइवन क्लॉथ वगैरह जो होता है, वो अंदर की तरफ चला जाए और यहाँ पे काफ़ी नीट फिनिश दिखेगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम इस पर स्टिच कर लेंगे अभी ऊपर। तो ये देखिए, स्टिच करने के बाद देखिए कितना सुंदर और एकदम नीट लग रहा है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। अब आई बारी हाथों की, तो हाथ को अब हम फोल्ड करके बस सिंपल सा साइड स्टिच मारना है हमने, हाथ से शुरू करके, मतलब स्लीव से शुरू करके वेस्ट तक हम इसको प्रॉपरली एक स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम जो है बॉटम लेयर इसका ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आएगा एक स्टिच। तो ये हो गई स्टिच। अभी हमने क्या करना है, तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ छोटे छोटे हमने प्लीट्स टाइप लगाने हैं, उसको प्लीट नहीं बोलते हैं एक्चुअली, जिस तरह की ब्लाउज में पीछे की तरफ पट्टियां होती हैं, सेम टाइप हमने इसमें भी पट्टियां लगानी है ताकि ये शेप बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो स्कर्ट है इसको हम यहाँ पे जॉइन करेंगे नीचे, उससे पहले हम यहाँ पे पट्टियाँ लगाएंगे। तो पट्टियों का हिसाब सिंपल है, बस कंधा जो है वहाँ पे एकदम सेंटर में फोल्ड करें, नीचे तक लें उसका हिसाब, और वहाँ पे जहाँ पे आपको सेंटर दिखा वहाँ से 5-6 इंच की चौड़ाई में हम इसको स्टिच करेंगे। और बहुत ही कम, मतलब कि आधे से भी कम इंच का हमने चौड़ापन यहाँ पे देना है ये पट्टियों की। तो इस तरह से, तो आगे भी देंगे पीछे भी देंगे ताकि ये सुंदर सा शेप बैठे। वैसे ये शेप ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना भी दे चलेगा, लेकिन अगर आपका अपर बॉडी हेवी है तो अगर आप ये देंगे तो कंपैरेटिवली शेप काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो ये हो गया रेडी। तो अभी ये है फाइनल स्टेप, जहाँ पे हमने स्कर्ट अटैच करना है अपर बॉडी पे। तो हम इसको एकदम सेंटर पे यूं रखेंगे इस तरह से, और इन दोनों को हम अटैच करेंगे। अटैच के लिए कुछ नहीं, बस इसको एकदम उल्टा घुमा लेंगे। ये जो स्कर्ट है, स्कर्ट को और जो ऊपर का जो बॉडी है उसको हम दोनों को इस तरह से अटैच करके बस स्कर्ट को उल्टा घुमा दीजिए। तो अभी जो ये आएगा, इस सर्कल को हमने स्टिच करना है बस इस तरह से। ये हो गया जॉइन। तो हमने बस ये पूरा का पूरा जो राउंड है इसको हम स्टिच कर लेंगे।
बस हो गया। सो दैट वॉज द फाइनल स्टेप। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसानी से बना हुआ ड्रेस है। आप चाहे तो इसको चुन्नी और लेगिंग के साथ पहन के इंडियनाइज कर सकते हैं, या बस ऐसे ही पहन सकते हैं गाउन की तरह, क्योंकि ये काफ़ी फुल लेंथ है। फॉर माई हाइट दिस इज़ फुल लेंथ। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, बहुत सुंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल गेट बैक टू यू विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय।